केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि स्थानांतरण के काम में तेजी लाने पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री का आभार जताए जाने पर कांग्रेस ने एक बार फिर से अनुराग ठाकुर को घेरना शुरू कर दिया है। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष व सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने अनुराग ठाकुर को हर मुद्दे पर यू टर्न लेने वाला नेता करार दिया है और कहा कि ये उनकी पुरानी आदत है। वहीं राणा ने प्रदेश सरकार पर कोविड के नियमों की खुद ही अवहेलना करने के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के दिशा निर्देश केवल आम जनता के लिए होते हैं, न कि भाजपा के लिए। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी पर भाजपा पहले भी राजनीति करती आई है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हिमाचल में लाने का श्रेय यूपीए सरकार को जाता है, न कि सांसद अनुराग ठाकुर को, जो कि इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं। जसवा कोटला में जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे पर आरोप लगाने में वहां पर नजर आए, मशरूफ आए, मुझे लगता है कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये लगातार राजनीति की भेंट चढ़ती रही है। हालांकि 2007 में जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए 2 गवर्नमेंट थी, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 17 यूनिवर्सिटी जो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है पूरे देश में स्वीकृत करी थी, जिसमें ये देहरा यूनिवर्सिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए भी स्वीकृत हुई थी। हालांकि अनुराग ठाकुर ये क्लेम करते हैं कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इसको लेके आया, तब तो वो मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं थे। परंतु लगातार पिछले इतने वर्षों से, लगभग ये 12-13 वर्षों से जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है राजनीति की भेंट चढ़ रही है। कभी अनुराग ठाकुर बोलते हैं कि केंद्र में सरकार हमारी नहीं थी इसलिए ये काम नहीं हो पाया। कभी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी इसलिए काम नहीं हो पाया। अब पिछले 6 सालों से केंद्र में भी सरकार ही नहीं की है, 3 साल से हिमाचल प्रदेश में भी नहीं की है, और मंच पर से अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरीके से आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, मुझे लगता है कि कहीं ये भूल ना गए हों कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की, शायद इनको याद ना रहो। और देखिए कि जिस तरीके से आरोप लगाए और मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, हमने भी जांच पड़ताल करके जो है डॉक्यूमेंट मंगाए, उसमें जो एनवायरनमेंट विभाग है केंद्र का, वहाँ से कुछ जो है ऑब्जर्वेशंस लगाई गई हैं, और वो ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो सांसद का काम है। सेंटर में, सेंटर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई चिट्ठी है तो उसके में जो भी कोई कमियाँ पेशी हैं उनको ठीक करवाना उनका काम है। राजेंद्र राणा ने सांसद अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि एक दिन अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कोसते हैं तो दूसरे दिन मुख्यमंत्री का आभार जताते हैं। इस पर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। इससे पता चल रहा है कि अनुराग ठाकुर को दिल्ली में हाई कमान से लताड़ लगी है, जिसके चलते ही अनुराग ठाकुर ने दूसरे दिन ही सीएम जयराम ठाकुर का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इन्हीं लड़ाइयों के कारण प्रदेश का विकास रुका हुआ है। पहले तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है, यहाँ पे ऑफिसर जो हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरा जो है भी मुख्यमंत्री को चाहिए कि उनको डायरेक्शन दें, और ये काम रुका पड़ा है। अब यू टर्न ले ली कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, एक दिन जो है मुख्यमंत्री को कोसते हैं और दूसरे दिन जो है मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक फिजाओं में जो गर्माहट आई थी, गर्मी आई थी, वो एकदम बर्फ की तरह जो है ठंडी हवाएं कैसे चलना शुरू हो गई। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली से डंडा जो है वो चला है और लताड़ भी लगी होगी। स्वाभाविक है चीज़ें, ये तो हिमाचल प्रदेश को लोगों को अभी पता नहीं है, परंतु तो स्वाभाविक है कि यू टर्न जो लिया गया और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया, एक दिन गाली निकालते हैं, दूसरे तरफ धन्यवाद करते हैं, कहीं ना कहीं केंद्र इनका जो हाईकमान है वहाँ से इनको लताड़ जरूर लगी होगी। कह के माफी मांगना, यू टर्न करना, ये इनकी पुरानी आदत है। परंतु मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से प्रदेश में विकास जो है 3 साल में थमा है, विकास हुआ नहीं है, रुक गया है, और इनकी आपसी लड़ाई जो है, चाहे ज्वालामुखी में लड़ाई है, चाहे और कहीं लड़ाई है, चाहे मंत्रियों को मंत्री पदों को लेकर लड़ाई है, चाहे हमीरपुर वाले जयराम ठाकुर को जो है हाजम नहीं कर पा रहे हैं। बिलासपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत में उमड़ी भीड़ पर विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश
सरकार के जारी कोरोना गाइडलाइन पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। राणा ने कहा कि कोविड के नियम केवल जनता के लिए और विपक्ष के लिए ही हैं, जबकि भाजपा नेताओं के लिए कोविड के लिए कोई कानून नियम कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार की नोटिफिकेशन जो है, चाहे कोरोना काल में कोविड 19 के दौरान जितनी नोटिफिकेशन इनकी हुई, वो सिर्फ आम जनता के लिए और अपोजिशन के लिए थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नोटिफिकेशन जो है वो नहीं थी। अब देखो, पहले पासिस को लेकर जो बाहर से लोग आने थे उनको लेकर किस तरीके से मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर रात के अंधेरे में यहाँ पर अपने घरों में पहुँचे, बाकियों के लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन थी। अभी इन्होंने जो लेटेस्ट गाइडलाइन जारी करी हैं थी कि 100 से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे होंगे, हैं 100 से ज़्यादा लोगों के लिए प्रतिबंध है। मैं हैरान हूँ कि सरकार नोटिफिकेशन कर रही है परंतु जनता के लिए नोटिफिकेशन कर रही है, सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नोटिफिकेशन या कोई प्रतिबंध नहीं है। अब मुख्यमंत्री के प्रवास में देख लिए, हजारों हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप देखिए कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वो आए, उनका अपना घर है हिमाचल, उनका अपना घर है बिलासपुर, उनका घर है, हजारों हजारों लोग, आज मुझे पता लगा कि हजारों हजारों लोग वहाँ पर उनके स्वागत में खड़े हैं। तो ये नोटिफिकेशन किस लिए कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता सब देख रही है, जनता के लिए कोई कानून और है और सरकार में बैठे लोगों के लिए कुछ कानून और है। राजेंद्र राणा ने हमीरपुर जिला के रुके हुए विकास पर हमीरपुर भाजपा को ही दोषी करार देते हुए कहा कि हमीरपुर वाले ही नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहां पर आए और विकास हो। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं की ही मुख्यमंत्री के साथ तालमेल नहीं है, जिसके चलते विकास पर भी असर पड़ा है। हमीरपुर में कई बार ये लोग कहते हैं कि हमीरपुर से मुख्यमंत्री खो दिया इसलिए हमीरपुर में विकास नहीं हो रहा, ये बिल्कुल गलत है, गलत धारणा है, ये पॉलिटिकल सोच को लेकर ये बातें कही जाती हैं। शिमला का मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी अगर हमीरपुर में अथाह विकास करवा सकते हैं तो मंडी वाला हमीरपुर में क्यों विकास नहीं करवा सकता? मंडी वाला भी करवा सकते हैं, परंतु हमीरपुर वाले नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो, मुख्यमंत्री यहाँ आए और इससे हिमाचल प्रदेश में और ख़ासतौर पर हमीरपुर का जो विकास रुका है, ये यही कारण है कि हमीरपुर वाले लीडरों की मुख्यमंत्री के साथ तालमेल नहीं है और मुख्यमंत्री को ये मुझे लग रहा है कि आंखों में मुख्यमंत्री रड़क रहा है, करकरी बना हुआ है और हजम नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि आम चर्चाएं में लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ।